आज हम पढ़ेंगे डाइल्यूशन एंड पीएच स्केल। तो आ गए आप। तो हमारा चैप्टर चल रहा है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो पिछली वीडियो में हमने एसिड एंड बेसिस की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज को देख लिया था। तो इस वीडियो में सबसे पहले ये देखेंगे कि सभी एसिड्स में क्या कॉमन होता है एंड सभी बेसिस में क्या कॉमन होता है। तो एसिड्स की एक प्रॉपर्टी होती है, जब हम उन्हें पानी में मिलाते हैं तब वो एच प्लस आइंस रिलीज करते हैं। जैसे मैं एक एसिड लूँ HCl एंड इसकी एक्वस सॉल्यूशन बनाऊँ, एक्वस यानी पानी में मिला हुआ, तभी H प्लस एंड Cl माइनस में टूट जाएगा। एंड ऐसे ही अगर मैं HNO3 को लूँ एंड उसकी एक्वस सॉल्यूशन बनाऊँ तो वो भी H प्लस एंड NO3 माइनस में टूट जाएगा। तो दोनों एसिड्स ने H प्लस आयन रिलीज कर दिए, तो सभी एसिड्स एक्वस सॉल्यूशन में एच प्लस आइंस रिलीज करते हैं। एंड अब एक्वस सॉल्यूशन की बात हो रही है यानी वाटर की बात हो रही है, तो ये एच प्लस आयन वाटर के साथ मिलके H3O+ आयन बना लेता है एंड इसे हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, क्योंकि एच प्लस आयन फ्री नहीं रह सकता एंड क्योंकि उसके आसपास वाटर है, वाटर यानी H2O। एंड H2O के साथ एक हाइड्रोजन और जुड़ गया तो ये बन गया H3O। H प्लस पे चार्ज था तो इस पे भी +1 का चार्ज है। तो एक्वस सॉल्यूशन में एसिड्स एच प्लस आयन या फिर H3O+ आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन को रिलीज करते हैं। ऐसे ही कुछ बेसिस के साथ होता है, तो अगर मैं एक बेस लूँ NaOH एंड इसकी एक्वस सॉल्यूशन बनाऊँ तो NaOH Na+ एंड OH- में ब्रेक हो जाएगा। एंड ऐसे ही CaOH होल ट्वाइस को अगर मैं लूँ, इसकी एक्वस सॉल्यूशन बनाऊँ तो ये Ca2+ एंड OH- के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा। तो सारे बेसिस वाटर के अंदर OH- साइन रिलीज करते हैं। तो जैसे ट्रेन को चलने के लिए पटरी चाहिए होती है, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने के लिए आयंस चाहिए। एंड आयंस क्या होते हैं? ऐसी चीजें जिन पे चार्ज हो, जैसे H+ एंड OH-, ये आयंस हैं। इनके ऊपर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है। एंड और भी आयंस हो सकते हैं, जैसे Na+, Ca2+, ये भी आयंस हैं। तो अगर मैं एसिड एंड बेस को वाटर के अंदर मिलाता हूँ तो वो आयंस रिलीज करते हैं। एंड अब हमें आयंस मिल गए तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। तो एसिड एंड बेस की एक्वस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। एंड अगर कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही तो वहाँ पर आयंस नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से ही कंडक्ट होगी जहाँ पर आयंस होंगे। एंड जब हम एसिड एंड बेस को वाटर में मिलाते हैं तो हमें आयंस मिलते हैं एंड वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। अब एक टर्म जानते हैं जो है एल्कली। तो ऐसे बेसिस जो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं उन्हें हम एल्कली कहते हैं। पर सारे बेसिस वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, तो जो बेस वाटर के अंदर डिसॉल्व होंगे उन्हें हम एल्कली कहेंगे। तो अगर मैं एक एसिड को लूँ एंड उसे वाटर में मिला दूँ तो वो एसिड H+ आयंस रिलीज कर देगा। तो मान लेते हैं उसने 4 H+ आयंस रिलीज करे, हमने माना है एक्चुअल में बहुत सारे आयंस होते हैं, तो इस सॉल्यूशन में 4 H+ आयंस है। तो अगर मैं एक फिक्स्ड वॉल्यूम में देखूँ, मान लो कि ये V वॉल्यूम है, तो यहाँ पर हमें 2 H+ आयंस मिल रहे हैं। एंड अगर मैं यही सेम सॉल्यूशन दूसरे बीकर में लूँ एंड उसमें थोड़ा और वाटर ऐड कर दूँ, तो पहले की तरह अगर मैं फिर से देखूँ उसी V वॉल्यूम के अंदर, तो इस बार मुझे एक ही H+ आयन मिल रहा है। तो अब इसी वॉल्यूम में H+ कम मिल रहा है तो हम कहेंगे H+ का अब कंसंट्रेशन कम हो गया। तो एसिड या बेस में जब हम वाटर मिलाते हैं एंड उसका कंसंट्रेशन कम हो जाता है तब हम उस प्रोसेस को कहते हैं डाइल्यूशन। डाइल्यूशन कुछ नहीं है, एसिड या बेस की सॉल्यूशन में पानी मिलाने को हम डाइल्यूशन कहते हैं। एंड जब हम पानी मिलाएंगे तो H+ आयन या फिर OH- आयन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, तो यही है डाइल्यूशन। तो पानी की बात ही हो रही है, तो एसिड के अंदर हम पानी मिलाएंगे या पानी के अंदर एसिड मिलाएंगे? तो ये क्वेश्चन मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि जब एसिड एंड वाटर रिएक्ट करते हैं तो वो बहुत सारी हीट रिलीज करते हैं, तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये हीट कम से कम निकले। तो इसके लिए हम वाटर के अंदर थोड़ा एसिड मिलाते हैं, फिर उसे मिक्स कर देते हैं एंड फिर थोड़ा और एसिड मिलाते हैं, फिर उसे मिक्स कर देते हैं। यानी वाटर के अंदर हम एसिड मिलाते हैं, ना कि एसिड के अंदर वाटर मिलाते हैं,
क्योंकि जब हम एसिड के अंदर वाटर मिलाएंगे तो बहुत सारी हीट रिलीज होगी एंड उससे हमें बहुत सारा नुकसान हो सकता है। तो हम वाटर के अंदर एसिड मिलाएंगे एंड एसिड के अंदर वाटर नहीं मिलाएंगे। तो अब देखते हैं हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई एसिड कितना स्ट्रांग है या फिर कोई बेस कितना स्ट्रांग है। तो एसिड्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो H प्लस आइंस रिलीज करते हैं। तो कोई एसिड कितने H प्लस आइंस रिलीज कर रहा है, अगर वो ज़्यादा H प्लस आइंस रिलीज कर रहा है तो वो ज़्यादा स्ट्रांग है एंड कम H प्लस आइंस रिलीज कर रहा है तो वो वीक एसिड है। एंड ऐसे ही हम बेसिस के लिए क्या यूज़ करेंगे, बेसिस के लिए हम यूज़ करेंगे OH- माइनस आइन का कंसंट्रेशन, यानी एक सॉल्यूशन में एक बेस कितनी OH- माइनस आइंस देगा। अगर ज़्यादा OH- माइनस आइंस देगा तो वो ज़्यादा बेसिक है, कम OH- माइनस आइंस देगा तो वो वीक बेस है। तो क्या हम कोई ऐसी चीज़ बना सकते हैं जिससे हमें H+ एंड OH- माइनस आइंस की कंसंट्रेशन पता लगे। तो यही सोच के सोरेनसन, जिन्होंने pH का कंसेप्ट दिया था, उन्होंने pH स्केल बनाया। तो ये है pH स्केल। अब ये pH नाम कैसे आया, तो pH में P यानी पोटेंस, एंड पोटेंस एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर, एंड आगे लगाया है H, यानी H प्लस साइन की कितनी पावर है। तो ये pH स्केल है, ये दो पोर्शंस में डिवाइड है। ऊपर वाला पोर्शन H प्लस साइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड नीचे वाला OH माइनस साइंस को। तो अगर हम सबसे पहले जीरो पे देखें तो जीरो पे H प्लस साइंस का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो सबसे एसिडिक चीज़ का pH जीरो ही होगा। एंड जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं तो H प्लस साइंस का कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है, एंड H प्लस साइंस का कंसंट्रेशन एसिडिक प्रॉपर्टी को बताता है। तो H प्लस साइन कंसंट्रेशन आगे जाने पे कम हो रहा है, यानी एसिडिक प्रॉपर्टी भी कम हो रही है। एंड अगर किसी का pH 7 है तो 7 एकदम मिड पॉइंट है, वहाँ पर OH एंड H प्लस दोनों एक बराबर है। तो अगर किसी चीज़ का pH 7 है तो वो न्यूट्रल है, क्योंकि OH एंड H प्लस दोनों इक्वल है, तो वो ना ही बेसिक है ना ही एसिडिक है, तो वो न्यूट्रल है। एंड 7 से हम जब आगे जाएंगे तो आगे जाने पे OH- माइनस साइन का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, यानी बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ती जा रही है। यानी एक चीज़ हम कह सकते हैं, जैसे जैसे pH बढ़ेगा वैसे वैसे बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी, क्योंकि OH- माइनस साइन का कंसंट्रेशन pH बढ़ने पे बढ़ रहा है। एंड जैसे जैसे pH बढ़ेगा वैसे वैसे एसिडिक नेचर कम होगा। तो अगर मैं तुमसे पूछूं, एक चीज़ का pH है 5 एंड एक चीज़ का pH है 8, तो इन दोनों में से ज़्यादा एसिडिक कौन है, तो 7 से पहले 5 आएगा एंड 7 के बाद में 8 आएगा। तो 5 वाली जगह हम देख सकते हैं कि H प्लस साइन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 8 वाली जगह, तो 5 ज़्यादा एसिडिक है। एंड जैसे जैसे हम 7 के पीछे चलें तो पीछे जाने पे H प्लस साइन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, यानी एसिडिक नेचर पीछे जाने पे बढ़ेगा। एंड 7 से आगे H प्लस साइन का कंसंट्रेशन कम हो रहा है, वहीं OH- माइनस साइन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो बेसिक नेचर बढ़ रहा है। तो हम एक बात कह सकते हैं, जिसका pH 7 से कम हुआ वो एसिड होगा एंड जिसका pH 7 से ज़्यादा हुआ वो बेस होगा। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ, तुम्हें बताना है कौन ज़्यादा एसिडिक है। एक का pH है 5 एंड एक का pH है 2, तो तुम्हें नीचे कमेंट करके बताना है कि कौन ज़्यादा एसिडिक है। pH की इम्पोर्टेंस को हम एवरीडे लाइफ में भी देख सकते हैं। जैसे हमारी बॉडी एक फिक्स्ड pH रेंज के अंदर ही काम करती है, हमारी बॉडी 7 टू 7.8 के pH के अंदर ही काम करती है, यानी हमारी बॉडी थोड़ी बेसिक है, क्योंकि अगर pH 7 से ज़्यादा होता है तब वो चीज़ बेसिक होती है। एंड हमने एसिड रेन का नाम तो सुना ही होगा, तो एसिड रेन में वाटर का pH 5.6 से कम हो जाता है। अब pH कम हो गया यानी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ गया। तो अगर बारिश के पानी का pH 5.6 से कम होता है तब हम उसे कहते हैं एसिड रेन। एंड हमने देखा होगा कहीं पर प्लांट्स बहुत अच्छे उगते हैं पर कई जगहों पे प्लांट्स एकदम उगते ही नहीं है, या कहीं पर उगते हैं पर वो अच्छे से उगते नहीं है। तो ऐसा pH की वजह से ही होता है, क्योंकि प्लांट्स को उगने के लिए एक फिक्स रेंज का pH चाहिए। तो जहाँ पर उन्हें उस रेंज का pH मिल जाता है वहाँ पर प्लांट्स बहुत अच्छे उगते हैं। एंड ऐसी जगहों पे जहाँ पर pH उस रेंज का ना हो तो प्लांट्स अच्छे नहीं उगते। एंड तभी हम फर्टिलाइजर्स देते हैं ताकि उस सॉइल का pH
उसी रेंज में आ जाए जिसमें प्लांट्स अच्छे से उग सकते हैं। तो ये हो गया पीएच स्केल। अब रह गए सॉल्ट्स, जो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, एंड उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जल्दी आ जाना।